जिले के हाथीगांव में गुरुवार शाम को दो अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की घटना हुई है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई, वहीं चार अन्य लोग भी घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। घटना के बाद आनन फानन में सभी को वाड्रफ नगर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दो लोगों ने दम तोड़ दिया। बसंतपुर क्षेत्र में भी पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें पेड़ के नीचे छिपी 13 वर्षीय नाबालिग की भी मौत हो गई। बलरामपुर जिले में गुरुवार को अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और तेज हवाओं के साथ चमक गरज होने लगी। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। बारिश के दौरान विकासखंड वाड्रफ नगर के ग्राम हरिगवां में दो अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की घटना हुई है। स्कूल पारा में बारिश के दौरान बरगद पेड़ के नीचे तीन लड़कियां बारिश से बचने के लिए छिपी हुई थी, जिसमें बबली नाम की बच्ची भागते हुए पास के घर की ओर जा रही थी। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी और बबली, अनीता, पांकुआर उसकी चपेट में आ गई। वहीं बसंतपुर क्षेत्र में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से नाबालिग की मौत हो गई। आकाशीय बिजली गिरने की घटना में अनीता व पानपुआर घटनास्थल पर ही मूर्छित पड़ गए, जिन्हें आनन फानन में 108 वाहन के जरिए वाड्रफ नगर के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने अनीता को मृत घोषित कर दिया। उसी दौरान सड़क किनारे पर भी यही हाल हुआ, जिसमें निर्मला, शुरभि, केश कुमारी जामुन पेड़ के नीचे ही खड़े थे, जिसमें निर्मला व केश कुमारी गंभीर हो गए और शुरभि भी बिजली की चपेट में आ गई। कुसमी से सद्दाम खान की रिपोर्ट।